नमस्कार, मैं संतोष भगत, स्वतंत्र सागर न्यूज में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, लाल गोदड़ी में ही पहचाने जाते हैं। उन लालों में एक मीरा रोड का लाल अब्दुल खान, जिसने पूरे मीरा रोड भाईंदर का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिखाया। बता दें कि अब्दुल्ला खान को विश्व की बड़ी कंपनी गूगल ने 1,20,00,000 की सालाना तनख्वाह पर नियुक्त किया। ये बात जब आग की तरह फैली तो मानो कि हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। जहां शहर के हर छोटे बड़े समाचार पत्रों ने, न्यूज चैनलों ने इस होनहार बच्चे की सराहना की, वही मीरा भाईंदर कांग्रेस के माजी विधायक मुजफ्फर हुसैन ने भी अब्दुल्ला खान एवं पूरे परिवार को अपने बंगले पर बुलाकर इनका पुष्प गुच्छों से दिल खोलकर मान सम्मान किया। वही मुजफ्फर हुसैन ने बताया कि इससे पहले भी इस शहर से दो और बच्चों ने भी जहां अपने शहर का नाम ऊंचा किया, वही हिंदुस्तान की शान बने। अब आप देखिए संतोष भगत के साथ संवाददाता विनय महाजन की ये स्पेशल रिपोर्ट। तरह से अचीवमेंट उसने किया है। ये बच्चा जो है अब्दुल्ला मोहम्मद असलम खान साहब जो है इनके साहबजादे हैं, और असलम खान साहब जो है ये जीएस ट्रांसपोर्ट सऊदी में काम किया है पिछले 35 साल, और बच्चे की बर्थ तो यहीं हुआ बॉम्बे में, और मीरा रोड में एनएच स्कूल में कुछ साल वो पढ़ा है, लेकिन उसके बाद वो दमाम में उसने बाकी की तालीम हासिल करी और पिछले 4 साल से एलआर तिवारी कॉलेज में जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। ये कल ही हमने भी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर फ्रंट पेज में जब ये न्यूज़ आई तो पढ़ करके हमको बेहद खुशी हुई कि हमारे इलाके के अंदर हमारे गाँव का एक बच्चा जो है इस लेवल पे उसका सिलेक्शन हुआ है, और इसीलिए आज उनकी फैमिली को, उनके वालिद को, उनके वालदा को और बच्चे को यहाँ बुला करके उसे मुबारकबाद पेश करने का पेश हमने किया। आप और भी बच्चों को लिए, सारे बच्चों में यही अपील करता हूँ कि अपने अपने औकात को मोबाइल की दुनिया से, इंटरनेट की दुनिया से निकाल करके अपने औकात को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करें, अपनी तालीम को मुकम्मल करें। तालीम का मुकम्मल ये चीज़ नहीं होती कि आदमी अच्छे नंबर हासिल कर ले, तो तालीम उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। वो किस एबिलिटी का आदमी, तालीम आप एमबीए पीएचडी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं तो कोई चीज़ नहीं। तालीम प्लस एबिलिटी होनी चाहिए। वो एबिलिटी का निखार कब आएगा, जब ऐसे माहौल में लोग बच्चे बैठेंगे, उठेंगे, बातचीत करेंगे, तब वो एबिलिटी पैदा होगी। तालीम अलग चीज़ है, एबिलिटी अलग चीज़, दोनों अलग अलग चीज़ है। अब्दुल्ला की कामयाबी का सेहरा किसके सर बांधेंगे आप? अब्दुल्ला की कामयाबी का सर अब्दुल्ला के सर, उसने मेहनत किया अपने अपने दोस्तों के साथ रह के, और इसका मेन चीज़ है अब्दुल्ला ने मेहनत किया, लेकिन इसको देने वाला अल्लाह ताला है। तो जो भी काबिलियत, जो भी उसकी जहनीत या जो भी उसको काबिलियत दी, अल्लाह ताला ने दी। और गारंटेड कहता हूँ कि 100% मुस्लिम बच्चे जो है यहाँ पे तालीम याफ्ता है, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। देयर इज नो ड्रॉप आउट इन प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन एंड नाइदर इन कॉलेज एजुकेशन। आज आपके बच्चे ने एक ऐसा मुकाम पाया है जिसको पाने के लिए लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत, और सबसे कम उम्र में, जहां तक मैंने देखा है उनका जो जो एक न्यूज़ देखा है, 21 साल की उम्र में। आप ऐसे बेटे को फील करके कैसा महसूस करते हैं, और माँ बाप या और बच्चों को क्या संदेश देंगे आप? ऐसे बच्चों के लिए तो खुशी महसूस होती है, साथ में सारे हमारा ये नजरिया है कि हमारा बच्चा सिर्फ ना पढ़ लिख करके अच्छा बने, बल्कि कौम के सारे बच्चे पढ़ लिख करके तरक्की करें, ताकि इस कौम पे जो लोगों ने तस्सुब डाल दिया है, यानी हेट का जो कौम के ऊपर जो हिंदुस्तान की अवाम जिस पैराए पे देख रही है, वो पैराया उस वक्त तक चेंज नहीं हो सकता जब तक कि हमारे बच्चे मेजॉरिटी नहीं तो एटलीस्ट 50-50 उस कामयाबी की हद तक जाएंगे। लेकिन तस्सुब की वजह से कुछ बच्चों की जो टैलेंट होते हैं वो पढ़ नहीं पाते, इसकी यहाँ की हुकूमत के या यहाँ के जो लोग हैं, मतलब सरकारी दफ्तरों में, जो उनको नेग्लेक्ट करते हैं। ये नेग्लिजेंसी नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको सेकुलर कहा जाता है, तो सेकुलर की बुनियाद पे जस्टिस होना चाहिए। सर, जैसा कि आप ये बच्चा जो है अब्दुल्ला नया नगर का है, नया नगर में उसकी परवरिश भी, पढ़ाई भी यहाँ करता है, आप यहाँ के एक ऐसे नेता हैं जो नया नगर में ही रहते हैं, नया नगर की निगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। आज ये एक बहुत बड़ी बात है कि गूगल जैसी कंपनी ने इनको ढूंढ के अपने पास बुलाया और उनको एक जॉब ऑफर दिया और एक अच्छा पैकेज।
आप एज ए पॉलिटिशियन, एज ए नेता, एज ए शहर के जो आप अच्छे बुरे कामों को देखते हो, आप इसको किस तरह से देखते हो और क्या आप यहाँ के उन बच्चों को मैसेज दोगे कि ये देखो ये जो बच्चा है ये जो कर सकता है वो आप भी कर सकते हो? क्या देखिए, पूरे मीरा भाईंदर शहर के डेवलपमेंट को जो नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि भाई डेवलपमेंट बोलो तो क्या, वाटर गटर मीटर, मगर हमने जब इस शहर के डेवलपमेंट प्लान मीरा भाईंदर का उन्होंने जब बनाया पिछले 1991 में जब मैं पहली बार कॉरपोरेटर बना तो उसमें 40% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए हमने रिजर्वेशन कराया। अगर आज ये बच्चा LR कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है तो कॉलेज उस जगह पे नहीं होता अगर तो रिजर्वेशन नहीं होता। आज आपकी मालूम आपके लिए बताता हूँ, एलोन मीरा रोड से 50 बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, 50 में से 12 बच्चे तो बॉस्टन में पढ़ रहे हैं, बॉस्टन में 50 बच्चे आज अमेरिका में पढ़ रहे हैं। मोर देन 200 स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी हमने बनाई महात्मा गांधी लाइब्रेरी, वहां से चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर और प्रोफेशनल बन के पिछले सिर्फ 8-10 साल में निकले हैं, मोर देन 200, और उसमें से मेरे ख्याल से मोर देन 60-70 बच्चे जो है अमेरिका में जॉब कर रहे हैं।